इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री तो सुर्खियों में है ही, लेकिन अब उनसे शादी करने वाली लड़की भी सुर्खियों में बनी हुई है। एक लड़की ने कहा है कि वो अपने प्राणनाथ यानी धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने वाली है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से एक लड़की ने शादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कह डाली। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि वो 16 जून को एक बड़ा ऐलान करने वाली है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कई लोग इसको ऐसा बना के ट्रोल कर रहे हैं कि मैंने मन चाहा वर पाने के लिए यात्रा करी है। कई कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में गुलाब के फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ, और पता नहीं क्या क्या ही ट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर बता रही हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम सभी लोग जगतगुरु शंकराचार्य जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सभी लोग शांडिल्य गोत्री हैं और पूज्य महाराज श्री गर्ग गोत्री हैं। तो अगर संबंध हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग एक समाज के हैं। लेकिन फिर भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री तो करुणा निधान है, प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या किसके मन में क्या चल रहा है, मन की बातें पढ़ लेते हैं बिना बताए। तो मेरा इस यात्रा का जो भी संकल्प है, मैंने जो भी सोच के यात्रा शुरू करी है, आप सभी को मैं कहना चाहूँगी, आप इंतज़ार कीजिए 16 जून तक का। 16 जून को हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आएंगे, तो वही पढ़ के बता देंगे मेरे मन की बात में कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया था और मेरे मन में क्या प्रश्न है, मैं क्या चाहती हूँ। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी, आप इसी तरह मेरी न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, मुझे देखते रहिए और मुझे ट्रोल भी करते रहिए। जय श्री राम। बता दें कि लड़की का नाम शिवरंजनी तिवारी है और वो MBBS की पढ़ाई कर रही है, मेडिकल की छात्रा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि बागेश्वर धाम के पंडित उनके मन की हर बात जान लेते हैं। बता दें कि शिवरंजनी ने संकल्प लिया है कि वो गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा करेंगी। वहीं शिवरंजनी साधु संतों से आशीर्वाद लेकर कलश यात्रा के लिए निकल चुकी है। 16 जून को शिवरंजनी की मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री से होने जा रही है। वहीं इस कलश यात्रा को लेकर लड़की का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना है और वे बागेश्वर धाम पहुंचकर एक बड़ा ऐलान करने वाली है। आपको बता दें कि 2021 से बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद शिवरंजनी ने उन्हें अपना प्राणनाथ मान लिया है।